नेशनल हाईवे 91 पर स्थित लुहारली टोल प्लाजा को व्यावसायिक वाहनों द्वारा लगभग 1.5 करोड़ रुपए की चपत इस पर लगाई गई है। टोल प्लाजा पर ऐसा लगभग 1000 वाहनों को अब चिन्हित करके कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। यदि 14 दिन में वाहन स्वामियों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टोल प्लाजा से बिना टोल दिए गुजरने वाले व्यावसायिक वाहनों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है, कार्रवाई की गई। दरअसल गौतम बुद्ध नगर में NH91 पर दादरी और सिकंदराबाद के बीच लुहारली टोल प्लाजा स्थित है। यहाँ पर लगभग 25,000 वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं, इनमें से ज्यादातर कमर्शियल गाड़ियों को अब चिन्हित करते हुए 1000 गाड़ियों में से अब तक लगभग 200 गाड़ियों के मालिकों को नोटिस भेज दिया गया है और टोल टैक्स वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाहन स्वामियों को नोटिस मिलने के बाद जहां इन दिनों टोल प्लाजा पर वाहन मालिकों के द्वारा चक्कर काटते हुए साफ तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। लुहारली टोल प्लाजा पर तैनात मैनेजर मुकेश कुमार का कहना है कि कुछ लोग जबरन अपने वाहनों को बगैर टोल टैक्स दिए यहां से गुजार देते हैं, जिनको अब नोटिस देकर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें क्या है कि ये कमर्शियल गाड़ी जो है व्यावसायिक वाहन लोग जो है यहाँ जबरदस्ती लोग फोर्सली निकलवाते हैं, लेन पे गाड़ी आती है, गाड़ी लोग रोक देते हैं, पैसे मांगने में पैसे नहीं देते हैं, तो ये काफी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसमें अव्यवस्थाएं फैल जाती है। तो इस स्थिति में उस गाड़ी को आगे कर 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 जो है ट्रैफिक को पास किया जाता है ताकि यातायात सामान्य रहे। उस स्थिति में जो है वो पैसा न देने की वजह से NHAI को डेली जो है राजस्व नुकसान करना पड़ रहा है।